हेलीकॉप्टर दुर्घटना में ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत होने के बाद अगला राष्ट्रपति कौन होगा, इसे लेकर लोगों के मन में जिज्ञासा है। ईरान के 85 वर्षीय सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के उत्तराधिकारी माने जा रहे रईसी के आकस्मिक मृत्यु के प्रभाव मध्य पूर्व में सबसे शक्तिशाली पदों में से एक के भविष्य पर भी पड़ेगा। ईरानी संविधान का अनुच्छेद 131 कहता है कि यदि राष्ट्रपति का उनके कार्यकाल के दौरान निधन हो जाता है तो पहला उपराष्ट्रपति अस्थायी राष्ट्रपति पद ग्रहण करता है जो सर्वोच्च नेता की पुष्टि के अधीन है। वर्तमान में मोहम्मद मोकबर ईरान के पहले उपराष्ट्रपति हैं। यदि ईरानी संविधान के अनुसार जाएं तो वही इब्राहिम रईसी के उत्तराधिकारी होंगे, लेकिन उनकी राष्ट्रपति पद पर नियुक्ति सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई की मंजूरी पर निर्भर करेगी। इसके अतिरिक्त पहले उपराष्ट्रपति संसद अध्यक्ष और न्यायपालिका प्रमुख वाली एक परिषद को अधिकतम 50 दिनों की अवधि के भीतर एक नया राष्ट्रपति चुनाव आयोजित करना होगा। 1 सितंबर 1955 को जन्मे मोकबर को रईसी की तरह सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के करीबी के रूप में देखा जाता है। इब्राहिम रईसी को 2021 में ईरान का राष्ट्रपति चुने जाने के बाद मोहम्मद मोकबर पहले उपराष्ट्रपति बने थे। मोहम्मद मोकबर ईरानी अधिकारियों की उस टीम का हिस्सा थे जिन्होंने पिछले साल अक्टूबर में मॉस्को का दौरा किया था और रूस की सेना को सतह के सतह पर मार करने वाली मिसाइलों और ड्रोन की आपूर्ति करने पर सहमति व्यक्त की थी। मोकबर ने ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई से जुड़े एक इन्वेस्टमेंट फंड सेटाड का नेतृत्व किया था। खुद खामेनेई ने 2007 में उन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी थी। प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद मोकबर की प्रशासन पर भी अच्छी पकड़ है। वो वर्तमान में एक्सपीडियंसी डिस्क्रिमिनेंट काउंसिल के सदस्य भी हैं। इसके पहले वो सेना बैंक में वार्ड के अध्यक्ष और खुजस्तान प्रांत के डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं। उनके पास डायरेक्टरेट की 2 डिग्रियां हैं। हालांकि आयतुल्ला अली खामेनेई की मंजूरी के बाद ही राष्ट्रपति पद पर उनकी नियुक्ति का रास्ता साफ होगा। तो सबसे बड़ा सवाल है कि रईसी की मौत के बाद अब अगला राष्ट्रपति ईरान का कौन होगा, किसकी मंजूरी लेनी होगी, और फिलहाल के लिए जो प्रमुख बने हैं मोहम्मद मोकबर वो कौन है, उनकी पूरी डिटेल्स हमने आपको दी है। इस खबर में और भी अपडेट्स हम आपको देंगे। लगातार बने रहिए और देखते रहिए एबीपी लाइव।